नमस्कार प्यारे साथियों, सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उन मेरे तमाम छोटे भाई बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो किसकी पीटीटी की तैयारी की थी उन लोगों ने, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। देखिए, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी थे जिनको कॉलेज मिला है लेकिन कॉलेज पसंद नहीं आया अभी, क्योंकि अपन जो है पुष्पा भाऊगी जैसे एकदम झुकेंगे नहीं। तो कई बार क्या है ना, अपने डोनेशन नहीं लेते हैं तो कई लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है, कईयों को जाना है रेगुलर, लेकिन आपकी कॉलेज के अंदर अच्छी नहीं मिली है, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो इसलिए जो है आप चेंज करना चाहते हो। सभी को मौका दिया इस बार पीटीटी वालों ने, कहा भर के हम आपको मौका देते हैं, सीटें हमारी वैसे ही फुल नहीं हुई है, दोबारा जिनका नहीं हुआ है वो भी दोबारा काउंसलिंग करवा सकते हो। आप लोगों को ज्यादा पैसे नहीं देने, मात्र 1000 रुपए देने। सारी बातों पर जो है मैं विस्तार से बात करूंगा, कब से कब तक आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो, आप लोग जो है कितनी कॉलेजेस भर सकते हो, तमाम चीजों पर देखिएगा, एक एक चीज पर जो है बात करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो हम खींचेंगे नहीं। देखिए चलिए, आपके जो है पहले मैं आपको बता दूं आपको देखना कहां से, यहां पे आके आप खुद भी देख सकते हो पीटीटी की ऑफिशियल साइट पे, या दूसरे नंबर का नोटिफिकेशन है पोर्टल खुलने की आवश्यक सूचना, काउंसलिंग हेतु पुनः चॉइस फिलिंग आवेदन। मैं पहले भी कह रहा था कि आपको वापस मौका दिया जाएगा और देख लो मौका मिल चुका है। जो निराश हो रहे थे ना कि सर हमारा नहीं हुआ, तो देखो भाई मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आपको वापस मौका मिलेगा और मौका मिला है। अब जल्दी करना, आप लोगों को लेट नहीं होना है, कॉलेज किस तरीके से भरना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप यहां से क्या कर लोगे, चेंज कर दिए जाओगे और एक पेज आपके सामने आ जाएगा जो कि ऐसा है। इस पेज पे आते ही देखिए, सबसे पहले तो किन के लिए बात लिखी गई है, ये पहला जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है जो अपवर्ड मूवमेंट कराना चाहते हैं, यानी जिनको कॉलेज मिल चुका था, यानी जिन विद्यार्थियों ने क्या है ना 5000 रुपये, कितने 5000 रुपये जमा करा दिए थे, साथ ही में 22000 रुपये भी जमा करा दिए थे कॉलेज मिलने के बाद में, कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग भी करवा ली थी, तो भाई उन लोगों को, लेकिन फिर बाद में जो है उनको कॉलेज पसंद नहीं आई थी, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं सीधा सा बता दूं बेटा क्या करना है आपको, आपको मात्र 1000 रुपए देने। कितने रुपए देने हैं? 1000 रुपए और देने हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें तो जो है सरकार का बजट उठाएगी क्या, सरकार के लिए फायदेमंद रहती है, ज्यादा नहीं है, दे देना गरीबों को थोड़े से 1000 रुपए और दे देना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको नई कॉलेज फिल करने का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप नई कॉलेज फिल करते हो, आपको यदि उनमें से मिलती है तो आपको जो है कॉलेज मिल जाएगी, और यदि उनमें से नहीं मिलती है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, आपकी पुरानी वाली कॉलेज मान्य हो जाएगी। इसके अलावा बेटा यदि मैं आप लोगों के साथ में बात करूं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ है किंतु शुल्क जमा नहीं कराया, यानी कुछ बच्चों ने जो है 5000 रुपए दे तो दिए थे, कितने 5000 दे तो दिए थे, लेकिन 22000 वाला जो है जमा नहीं करवाया था, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, आप लोगों को भी कितने रुपए देने हैं, 1000 रुपए और देने हैं। जैसे ही आप 1000 रुपए देते हो, आपको जो है नई कॉलेजेस बनने का ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरे भाई बहन मेरे वो हैं जिन्होंने जो है कुछ भी नहीं करवाया था, क्या 5000 का जो है चालान जमा करवाया था सिर्फ, लेकिन उन्हें कॉलेज ही नहीं मिला था। हाँ जी हाँ, जिनको कॉलेज नहीं मिला था वो भी वापस जो है कॉलेज भर सकते हैं। देखिएगा, कॉलेज बड़े सोच समझ के भरनी है, क्योंकि आगामी जो 2 साल है ना आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा, कहीं बच्चे 2 साल वाले हैं, कहीं 4 साल वाले हैं, देखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के जीवन के लिए आगामी 2 साल। क्यों महत्वपूर्ण है उस पे यदि बात करूं बेटा, इन 2 सालों में यदि आपको कोई लोकल कॉलेज मिलता है तो आपको पढ़ने रेगुलर जाने की आवश्यकता नहीं है, मोस्टली हो सके तो उतना डिसाइड करना कि आप लोग ना जाने वाली, जहां पे थोड़ा सा काम चल जाता है डोनेशन से, उस कॉलेज में जाने की कोशिश करना, क्योंकि आप 2 साल के अंदर जो तैयारी कर लोगे ना, ये 2 साल के अंदर, उस 2 साल की तैयारी आप लोगों से कई लोग जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पछाड़ देगी आपकी ये 2 साल की तैयारी। जैसे ही आपका बीएड पूरा हो जाएगा पीटीटी वाला और आप लोग 100% नौकरी लग जाओगे, ध्यान रखिएगा इन 2 साल के अंदर तमाम वैकेंसी आएगी, सीईटी के माध्यम से आएगी, अनेकों चीजों के माध्यम से आएगी, जुड़ के रहिएगा, क्या साथ में जुड़ के रहोगे ना, बहुत फायदा मिलने वाला है आप लोगों को। देखिएगा यहाँ से एक चीज और, जो 4 साल वाले हैं ना वो सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो 4 साल पड़े, बेटा 4 साल पड़े हैं ना, तो आप लोग जो है इस समय पे आपके आरएएस की भी तैयारी कर सकते हो, आपके पास बड़ा मौका है, आप आरएएस की तैयारी कर सकते हो, आप ऐसा ही कि इन तमाम चीज़ों की, क्योंकि उनमें आपका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा तब तक आपका साथ में, बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आरएएस की तैयारी करो, किसी भी चीज़ की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा निश्चित रूप से जो है, यदि आप इन ये जो बीएड बीएससी
का समय रहेगा ना आपका, इस समय पर यदि आप लोग दिलो जहन से लगे रहोगे, कॉलेज उस अकॉर्डिंग बनना, आसपास पता कर लेना कौन सी के अंदर जो है व्यवस्था बैठती है, जहां पे व्यवस्था बैठ जाती है वहीं से कर लेना और फिर जुड़ जाना हमारे साथ में। मैं आपका बड़ा भाई राहुल आपके साथ में हमेशा रहेगा, लास्ट तक रहेगा, अंत तक आप लोगों के साथ में है। आपका सिलेक्शन दिलवाना हमारी प्रतिज्ञा परिवार की गारंटी है, बस एक बार आप हाथ थाम के देखना। अभी भी मैं कह रहा हूं कई बच्चे जो है कॉलेज लेके ही खुश हो रहे हैं, कॉलेज लेके खुश नहीं होना बेटा, सामने सीटी पड़ी है, मात्र 58 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 58 दिन बचे हैं, अब तैयारी कर लो। क्या मात्र 58 दिन शेष है सीटी के? आप लोग मेरे साथ में तैयारी कीजिए, रोजाना रात को 10 बजे मेरे साथ में जुड़ जाइए। आप लोगों का सिलेक्शन करवाना मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा। विद्यार्थियों जल्दी से आप पहले एक टीचर को डिसाइड कीजिए जो आपको अच्छा लगे, उसी टीचर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए जानकारी जो थी मैंने सबको बता दी है, मात्र 1000 रुपए का एक्स्ट्रा चालान लगेगा। कितना? 1000 रुपए का चालान लगेगा। तिथियां दी गई है 28 से 29 तारीख के बीच बीच में करवा लेना, जिन जिन जो जो बच्चा करवाना चाहते हैं। आज तो 27 तारीख है, कल और परसों दो दिन का मौका है, कब? कल और परसों, तब करवा लेना ये काम जितना भी हो सके। 5 तारीख को आप लोगों को जो है कॉलेज आउंटिट हो जाएंगे जितने भी है, 5 तारीख को, ठीक है? तो विद्यार्थियों जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलता हूं एक अगले वीडियो के अंदर। बाय।